मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और हम लोग आए थे अभी छत पे वॉक के लिए और हमारी वॉक कंप्लीट भी हो चुकी है। उसके बाद हम लोग का प्लान था कि कुछ एक्सरसाइजेज, योगा या प्राणायाम कुछ भी कर ले छत पे, क्योंकि काफ़ी अच्छा मौसम है और धूप जगह से भी नहीं है और खुले में एक्सरसाइज करने का एक अलग ही बेनिफिट है और एक अलग ही अच्छा लगता है। तो इसलिए हम लोग छत पे आए थे, बट अभी बारिश स्टार्ट हो चुकी है एंड हम लोग लगता है कि वर्कआउट छत पे नहीं कर पाएंगे, मजा नहीं आ रहा है। तो फिर हम लोग वर्कआउट, अरे वर्कआउट का प्लान नहीं है मेरा, रहने दो फिर। मुझे लग रहा है ना, मुझे आज कुछ लाइट करना चाहिए, बहुत वैसा नहीं लग रहा है क्योंकि मैंने स्टेप्स भी ले लिए हैं 2500। क्या बात है। तो मुझे लग रहा है कि मैं जाके प्राणायाम ही करने वाली हूँ। प्यारी समझ गई। तो अभी हल्की हल्की बारिश हो गई है एंड जब बारिश होती है तो मुझे जाने का भी मन नहीं करता है छत पे से, बट अभी वर्कआउट का टाइम है तो इसलिए हम लोग रिटर्न होंगे एंड रूम पे जाके अपना जो वर्कआउट मतलब प्राणायाम कर लेंगे। A few moments later. Meanwhile, friends, साक्षी छत पे आई लेकिन बारिश बंद हो गया। ओह साक्षी, वेरी सैड। ओह नो, आपके साथ थोड़ा अजीब हो गया आज। वेरी सैड साक्षी। आज मैंने प्राणायाम किया। प्राणायाम इज़ वेरी गुड एक्सरसाइज, इससे हमारी रिस्पायरेटरी हेल्थ इंप्रूव होती है, रिस्पायरेटरी कैपेसिटी बढ़ जाती है एंड रिस्पायरेटरी कैपेसिटी जब बढ़ती है तो हमारे पूरे बॉडी में जो प्योर ब्लड का सर्कुलेशन है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है, तो हमारे हर ऑर्गन को फ़ायदा होता है। यही नहीं, अभी और सुनिए, हार्ट हेल्थ भी इससे इम्प्रूव होती है, तो इट्स वेरी गुड एक्सरसाइज और ये करना बहुत आसान है। प्लस इससे मेंटल हेल्थ भी अच्छी होती है, हमारे नर्वस सिस्टम जो है पीनिस एंड एनिस जो होते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं तो वो इससे बैलेंस में रहता है, प्रॉपरली वर्क करते हैं एंड जब हमारे बॉडी में अच्छा ब्लड का सर्कुलेशन होगा तो हमारे सारे ऑर्गन तो अच्छे होते ही हैं और साथ ही साथ हमारे स्किन पे ग्लो आता है। तो जो लोग रेगुलर प्राणायाम करते हैं उनकी स्किन अलग तरीके से ग्लो करती है और बहुत तेज रहता है उनके चेहरे पे। इसलिए मैं हर एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ा सा प्राणायाम तो मैं करती हूँ, बट रेगुलरली हमें इसे प्रैक्टिस करना चाहिए। अब हमारा है ब्रेकफास्ट टाइम और हमने बहुत सारी रेसिपी आज बनाई। क्या बात है। और सूट की है जो ब्रेकफास्ट में हम लोग अभी लेने वाले हैं। मोगेम्बो, अबे जल्दी बोल, खुश हुआ। तो वो आपको जल्दी ही मिल जाएगी और उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो उसे जाके चेक कर ले। तो देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या है। क्या 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 क्या? ये है रागी चीला, ये हम लोगों ने थोड़ा सा खाया था वो सूट के लिए, तो इसलिए वो थोड़ा सा कटा हुआ है। तो एक मैंने लिया है रागी चीला, इसमें थोड़ा सा मैंने बेसन भी मिक्स किया है। प्यारी समझ गई। एंड ये है दही और ये है टोमेटो चटनी, इसकी रेसिपी आपको मिल जाएगी। एंड ये है बेसन चीला जो चंदन के लिए है, वो चंदन एंजॉय करेंगे। एंड इट्स डन फॉर आवर ब्रेकफास्ट टुडे। तो चलिए अब बिना देर किए, बहुत देर हो चुकी है ऐसे ही, तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ब्रेकफास्ट। देन पहले आप टेस्ट कर लीजिए कैसा है ये बेसन वाला है। और इसके ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, ये दोनों ही अच्छा है और सबसे अच्छा तो ये चटनी टोमेटो वाला। चटनी लो इन कैलोरी है और सिंपल है, 2 मिनट्स में बन जाती है, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। तो करना। A few moments later. क्या है चंदन इसमें? इसमें कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, राघवेंद्र अंकल देखे हैं। अच्छा, अपने ही खेत का है, वाह बहुत ज़्यादा ही है। राइट। ये केला जो है ना दो वेराइटीज का लग रहा है, ये अलग है
एंड ये वाला अलग है, ये सब्जी वाला है और ये लगता है कि पकने वाला है। मजा नहीं आ रहा है। तो सब्जी वाला है। अच्छा, ये बतीसा का वैरायटी है, ये सिंगापुरी का वैरायटी, ये पका या खाने वाला है? पक जाएगा तब खाने वाला है। इसका तेल भी लगाना है। समझ गया, समझ गया भाई। थैंक यू रघुविंदर अंकल फॉर दिस फ्रेश एंड हेल्दी बनाना। फ्रेंड्स, लोग अभी हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं और लोग ऑर्गेनिक चीज़ें खाने का बात करते हैं। सो दिस इज़ हेल्दी एंड ऑर्गेनिक बनानाज। तो फ्रेंड्स, साक्षी की ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। साक्षी, क्या आपका ब्रेक हो गया? नहीं फ्रेंड्स, साक्षी का ब्रेक हो गया है और साक्षी करने वाली है ब्रेक में ब्रेकफास्ट। सही बात है। आपको चीला टेस्टी लगा? कौन सा वाला अच्छा लगा आपको? एक बार वो वाला भी खा के देखिए, येलो वाला, बेसन वाला। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। क्या बात है। 2000 years later. साक्षी का मेकअप चल रहा है। साक्षी, आप शूट का तैयारी कर रहे हैं क्या? कौन से गाने का शूट करने वाले हैं? गाना का तो नहीं, मैं ये बता दूंगी कि मैं अभी हैंड मुद्रा। अरे कहना क्या चाहते हो? हैंड मुद्रा करना चाहते हैं। ओके, वो क्या होता है? हार्ट वाला डांस। ओ अच्छा। मेकअप तैयार हो चुका है, लेकिन ये मुझे किसी और यूट्यूबर की तरह दिख रही है। कमेंट्स में बताएं ये किसके तरह दिख रही है। उसका भी एक डांस का चैनल है। सो नाउ साक्षी का सूट डन हो चुका है। प्यारी समझ गई। A few moments later. फ्रेंड, साक्षी को खाने के समय बहुत प्यास लगती है। चाय पियो, बिस्किट खाओ, चाय पियो, बिस्किट खाओ। नाउ इट्स आवर लंच टाइम एंड क्या क्या है खाने में देख लेते हैं। Hey, I'll come look at this. राइस, कढ़ी। और वैसे तो बिहार में सबको बनाना आता है कढ़ी, पर जिनको नहीं आता है उनके लिए हम लोगों ने इसकी रेसिपी बना दी है कि हम लोग कैसे बनाते हैं इस कढ़ी को, और जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो रुको जरा। कुंदरी का भुजिया, ये देवा बहुत भूख लगा है, आजा, आजा। हम लोगों को काफ़ी पसंद है, इसलिए आप देखते होंगे बार बार हम लोग इसे ले रहे हैं। एंड साक्षी, तुम खाना स्टार्ट कर लो। लो स्टार्ट स्टार्ट स्टार्ट, चलो। तो करना, परेशान हो गए। परवल का भुजिया एंड दिस इज माय मस्ट आइटम, दैट इज सलाद। उसको हम लोग डाल देंगे। और चंदन ने अपना सलाद खा लिया है पहले ही। एंड एक चीज एक्स्ट्रा जो हम लोगों ने ली है वो है ये पापड़। एक पापड़ मैं लूंगी। रुको जरा। और ये जो पापड़ है हम लोगों ने इसको डीप फ्राई नहीं किया है और इसमें जरा सा ऑयल नहीं डाला है, ये सिर्फ मैंने रोस्ट किया है। तो लो इन कैलोरीज है, आप इसे एंजॉय कर सकते हैं जब भी आपका मन करे। मीनवाइल मम्मा ने बनाया था। नहीं, भूल गए हम लोग। म्यूजिक। ए बेटा, नमक नहीं है, इसको फिर से हम लोग नमक डालेंगे। यही नमक लेके आइए। 2000 years later. तो फ्रेंड्स, साक्षी को पड़ रहे हैं दौरे क्योंकि उसका सूट नहीं हो पा रहा है। हाँ वाह, सुबह में
थोड़ा एडिट कर लेते हैं उसके बाद। चुप। एडिटिंग के बाद मतलब एडिटिंग करने के बाद डांस करवा देंगे प्लीज। ये फंस गया सी है। रिपोर्ट हो गया है। Meanwhile, क्या हुआ? कुछ तो बोल, मुंह तो खोल। यही नहीं, अभी और सुनिए। तू थोड़ी देर और ठहर जा काली माँ, तू थोड़ी देर कोड कर दिया। क्या बोलता है, कुछ भी बोलता है। What? Friends, this is a golden hour, आप देख सकते हैं। लगभग टाइम हो चुका है, आई थिंक 6 बज चुका है। एंड आप देख सकते हैं स्काई इज लुकिंग लाइक अ हेवन, राइट? मोगेम्बो खुश हो। एंड मम्मा इज एंजॉयिंग विद कैट। ओ माय गॉड, ये गई तो नहीं जाएगी। दोस्तों आप देख सकते हैं ये कैट कितनी ज्यादा ब्रेव है। 5th फ्लोर से भी ऊपर है ये। डर लग रहा है। आप देख सकते हैं साक्षी इस बिल्ली के साथ खेलना चाहती है और ये बिल्ली कितनी स्पीड में दौड़ रही है। ओ माय गॉड, साक्षी को बिल्ली से बहुत प्यार है। साक्षी फिर से मस्ती कर रही है। साक्षी आपको सूट नहीं करना है, भूल गए, आपका सूट भी करना था। तो गाना बजाइए, डीजे वाले बाबू जरा गाना बजा दो। समझ रहे हो? नहीं। आई लाइक इट। साक्षी को अभी भी गाना नहीं मिल रहा। बहुत बोल गई थी, चलिए चलिए शूटिंग कीजिए। वेल स्काई इज लुकिंग लाइक अ हेवन अगेन। और ये कौन है? तो फ्रेंड्स साक्षी की डांस प्रैक्टिस जो थी वो साक्षी भूल गई है कर्ण की तरह। सही टाइम पे इसकी सारी विद्या भस्म हो गई है, इसलिए साक्षी खेलने चली गई। ये भी हेल्थ कॉन्शियस है। वाओ, ये कितनी अच्छी लग रही। ये तो डॉग पोज कर रही है। अरे करना क्या चाहते हो? रुको जरा, सबर। नहीं नहीं, कैट काउ को, कैट काउ पोज कर रही है। तो तू समझा? A few moments later. So friends, अंधेरा हो चुका है एंड यहाँ पे हम लोग ने थोड़ी शूटिंग की और काफ़ी वॉकिंग की। आपने कितने स्टेप्स किए? आपकी स्टेप्स हो गई है, वाओ, 7000 होने वाली है, राइट? 8:30 हो चुका है और अब है हमारे डिनर का टाइम। तो डिनर में हमारे पास है ये शेक, ये बना है रागी से एंड इसमें मैंने एप्पल भी डाला है, मिल्क है, सम ड्राई फ्रूट्स हैं एंड रेजिन्स है, डेट्स वगैरह है। तो इसकी रेसिपी भी आपको मिल जाएगी जैसा कि मैंने बताया अभी। तो मैं एंजॉय करती हूँ अपना स्मूदी। Meanwhile, can I taste? Thank you. Okay, I will do.
कैसा है? टेस्टी है। आपके लिए बना दिया जाए? अलग टेस्ट है। आपके लिए बना दिया जाए? बिल्कुल, मतलब नेचुरल स्वीटनर टाइप का टेस्ट आ रहा है। और सुनिए, और क्या बात है इसमें? ये रागी जो है वो कैल्शियम रिच होता है और ये कॉम्प्लेक्स कार्ब्स है। ये हमारे बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। देखिए बोन हेल्थ कोई दिखा रहा है? दिखा रहा है बोन हेल्थ के लिए अच्छा है। आप कीजिएगा टेस्ट, कीजिए यू विल टेस्ट। टेस्ट कर लीजिए, हाउ इज इट? कैसा? मीठा मीठा। अब ये है साक्षी का कस्टर्ड। तू समझा? हाँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और साक्षी को वेट नहीं किया जा रहा है, देखिए कितनी जल्दी जल्दी खा गई है। कैसा एक लगा? घंटे से परेशान करके रखी थी। अच्छे से ठंडा भी नहीं हो पाया, हल्का सा ठंडा हुआ है और ये खाना स्टार्ट कर दी है। कैसा है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 2000 years later. और भैया से पूछ भी नहीं रही है कि भैया को भी खाना है। साक्षी इस बैग म्यूजिक। साक्षी तो अब सेल्फिश निकले। क्या मेरे रखे के बंधन को निभा से। कैसा है चंदन बताइए? जिद करके रखी थी ना, तुरंत चाहिए था इसे। आइसक्रीम से भी टेस्टी है, नेचुरल मिठास। नेचुरल नहीं है, इसमें थोड़ा सा शुगर डाला है मैंने। तो फ्रेंड्स अभी बहुत रात हो चुकी है और हम लोग खाना खाने के बाद आ गए हैं छत पे वॉकिंग के लिए। और ख़ास बात यह है कि यहाँ पे बहुत ठंडी ठंडी हवा है तो वॉकिंग करने में और भी मज़ा आ रहा है। लेकिन यहाँ पे लाइट की कमी है तो हम लोग आपको भूतिया टाइप से दिख रहे होंगे, बट वी विल बी बैक। एंड समरी वीडियो भी तो देखना है आपको। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। साक्षी जगी हुई है, हम लोग को लगा तो सो गई होगी, वो नींद आ गई है। लेकिन मीनवाइल हम लोग जब वॉक कर रहे थे तो साक्षी ने कुछ बनाया है। ये देखिए, हम लोग के लिए। और साक्षी ने और भी चीज़ बनाया है पर उसने उसको अभी तोड़ दिया है और कुछ रूम में भी रखा है। तो आज का डे कंप्लीट हो चुका है एंड स्टेप्स देखने का टाइम आ चुका है। इधर आ जाइए चंदन। स्टेप्स अभी का है 2960 एंड अभी मैंने कैलोरीज बर्न की है 184। वेरी गुड। एंड टोटल स्टेप्स है 10503 और कैलोरीज है 465। सो आई एम हैप्पी, खुशी होने की बात है। बहुत मेहनत के बाद ये सब चीज़ें जो हैं वो आती हैं। एंड आज का मौसम इतना अच्छा था कि वॉक करने में भी बहुत अच्छा लग रहा था। आप कितना भी एसी में रह लो या कितने भी आर्टिफिशियल हम लोग बहुत सारा कंफर्ट मतलब क्रिएट कर ले, लेकिन जो नेचर में जो रहने का एक्सपीरियंस है वो कुछ अलग ही है। क्योंकि एक बंद कमरे में रहते रहते हम मेंटली टायर्ड हो जाते हैं और बाहर जाने पे हमें बहुत रिलैक्स फील होता है और हम बहुत फ्रेश फील होते हैं। तो इसीलिए कुछ ना कुछ टाइम तो हमें डेली आउटसाइड नेचर में रिलैक्स होकर बिताना ही चाहिए। ये वो टाइम होता है जब आपके पास ज़्यादा काम नहीं हो, आप रिलैक्स होने के लिए सिर्फ गए हों। तो ये चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आजकल लोग बहुत स्ट्रेस्ड रहने लगे हैं। कारण यही है कि लोगों के पास समय नहीं है और ज़्यादातर जो समय बीतता है वो बीतता है मोबाइल पे, लैपटॉप पे, इसी सब जगह समय जो है बीत रहा है। तो मेंटली स्ट्रांग रहने के लिए दो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो आप लोगों से बातचीत करें, गैजेट्स में ज़्यादा ना उलझें, और दूसरा है कि नेचर से कनेक्ट हो, नेचर में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें। तो ये थे आज के कुछ टिप्स जो मुझे लगा कि आपसे शेयर करना चाहिए। एंड आज हो गया है डे 28, तो अब बस दो दिन बाकी है, उसके बाद हम लोग रिज़ल्ट देखेंगे। तो मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट है इस चीज़ का कि पता नहीं कितना वेट लॉस हुआ होगा, वो तो स्केल ही बताएगा। तो वो हम लोग देखेंगे 1 जुलाई को, यानी कि 29 और 30 के ब्लॉक के बाद। तो आज के लिए ये डे कंप्लीट है एंड टाइम हो चुका है 11 o'clock एंड इसे ऑफ कर दे। टाइम हो चुका है 11 o'clock, यस। एंड
अब साक्षी को भी नींद आ रही है और मुझे लेना है एक चीज़ त्रिफला और कुछ चीज़ें जो हैं वो कल के लिए सोक करनी है और उसके बाद हम लोग भी सो जाएंगे एंड फिर कल ब्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय।